धमतरी जिले की अर्जुनी पुलिस ने धोखाधड़ी के पुराने मामले में आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया है। आरोपी जागेश मंडल ने अपने आप को बैंक का साहब बताकर प्रार्थी इंद्र कुमार साहू एवं उसका लड़के का कुल 1,19,829 रुपए का धोखाधड़ी की थी। रायपुर की एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट अंतर्गत गठित नारकोटिक सेल की टीम ने मुखबिर की सूचना पर पंडरी थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबुजा मॉल के पास लग्जरी चार पहिया वाहन में सवार प्रखर मारवा मोहम्मद आवेश एवं प्रिया स्वर्णकार से पूछताछ कर कार से MD ड्रग्स बरामद करने के बाद गोवा से MD ड्रग्स लाकर रायपुर में सप्लाई करने वाले अभय ठाकुर एवं नेहा भगत को भी पकड़कर सभी आरोपियों के पास है 90,000 रुपए कीमत की 6.9 ग्राम MD ड्रग्स तस्करी में प्रयुक्त MG ग्लोस्टर कार व एक्टिवा को जब्त कर लिया है। रायपुर की उरला थाना पुलिस ने मारपीट का ट्रक मोबाइल फोन और नकदी लूटने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सरोना मेन रोड में मिश्रा ढाबा के पास 1109 वाहन को रोककर चालक राकेश सिंह वाहन में चढ़कर उससे मारपीट कर मोबाइल व नगद रुपए छीनकर उसे नीचे गिराकर वाहन लूटकर फरार हो गए। मुखबिर की सूचना पर उरला थाना पुलिस ने आरोपी राहुल सोनी एवं दुर्गेश सोनकर को पकड़कर लूट की रकम मोबाइल व 1109 को जब्त कर लिया है। रायपुर की एंटी क्राइम व साइबर यूनिट टीम ने मुखबिर की सूचना पर गंज थाना क्षेत्र अंतर्गत होटल सत्कार गली पास लैपटॉप में महादेव ऐप के ID से ऑनलाइन क्रिकेट का सट्टा संचालन कर रहे भिलाई निवासी बलराम पाठक को पकड़कर उसके लैपटॉप की जांच कर दिल्ली के नवादा रेलवे स्टेशन के पास दबिश देकर 18 सटोरियों को पकड़कर 9,15,000 रुपए का सामान जब्त किया है। राजधानी रायपुर के VIP रोड में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दिया, जिससे बाइक सवार एक नाबालिग की मौत हो गई, वहीं दूसरा नाबालिग घायल है जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। सरगुजा जिले के उदयपुर रामगढ़ मार्ग पर रविवार की शाम सवारियों से भरी ऑटो ने घर के सामने खड़ी बाइक को टक्कर मार दी और बीच सड़क पर पलट गई। इस हादसे में ऑटो के नीचे दब जाने से युवती की मौत हो गई, जबकि 6 महिलाएं समेत 6 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं युवती के शव PM के लिए मर्चुरी में रखवाया गया है। उप वन मंडल अधिकारी दुर्ग के नेतृत्व में वन अमला दुर्ग द्वारा रामनगर सुपेला जहाज महल के पास स्थित श्री लक्ष्मी टिम्बर प्रोप्राइटर अजय पंडित एवं विजय टिम्बर मार्ट प्रोप्राइटर विजय पंडित के फर्म में शिकायत के आधार पर जांच बिना लाइसेंस के चल रही 4 नग आरव मशीन बैट्स और रॉ को गड्ढे से उखाड़कर पुलगांव डिपो ले जाया गया। राजनांदगांव शहर के लालबाग थाना क्षेत्र के वार्ड 20 पेंड्री में एक नाबालिग ने रविवार सुबह ओम प्रकाश साहू नामक युवक को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। आपसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया। गोरेला पेंडा मरवाही जिले के मरवाही थाना क्षेत्र के ग्राम देवगवा में गजरूप यादव नामक युवक की खून से लथपथ लाश उसके घर के बरामदे में मिली। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। रायपुर की पंडरी थाना पुलिस ने प्रार्थी राजेंद्र प्रसाद वर्मा की रिपोर्ट पर किसी अन्य व्यक्ति की जमीन को स्वयं का बताकर प्रार्थी से 37,59,000 रुपए प्राप्त कर जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराने वाले आरोपी उषा डेवलपर्स नामक फर्म के संचालक नरोत्तम लाल कुर्रे को गिरफ्तार कर लिया है। जशपुर जिले में मल्लिकार्जुन ट्रेडिंग एंड सर्विस प्राइवेट कंपनी नाम से संचालित कंपनी के संचालक द्वारा लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में बलरामपुर पुलिस को 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी मिली है। आरोपियों ने 42 ग्राहकों से वाहन खरीदी में 40% सब्सिडी देने के नाम पर लगभग 40,00,000 रुपए की ठगी की थी। राजधानी रायपुर के खमाड़ी थाना पुलिस की टीम ने दोपहिया वाहन चोरी करने वाले अपचारी बालक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 नग बाइक व 1 साइकिल बरामद की है। रायगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप संचालक अजीत मेहता से धोखाधड़ी करने वाले 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेजों तैयार करने का मामला दर्ज किया है।
शनिवार को रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। 3 आरोपी फरार हैं। रायगढ़ की धरमजयगढ़ थाना पुलिस ने ग्राम धर्मपुर के 35 वर्षीय युवक सुखलाल पांडो की हत्या के मामले में 60 वर्षीय दुखीराम पांडो निवासी खोखारना पारा चौकी रहरुमा खुर्द को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। मृतक ने दुखीराम को चिढ़ाया, जिससे नाराज होकर दुखीराम पांडो ने सुखलाल को गाली गुफ्तार कर नाला के पास खड़े बड़ा सा पत्थर मार दिया था, जिससे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। रायगढ़ में छठी निमंत्रण से वापस आ रही सवारियों से भरी तेज रफ्तार पिकअप वाहन पलट गई, जिसमें दर्जन भर से अधिक लोग घायल हुए हैं। दरअसल रायगढ़ जिले में धर्मजयगढ़ के गेरसा में बीती शाम तकरीबन 8 बजे के आसपास छठी निमंत्रण से वापस आ रही सवारियों से भरी एक तेज रफ्तार पिकअप पलट गई। कवर्धा जिले के बाजार चारभाटा चौकी क्षेत्र में जमीन को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। एक दूसरे पर कुल्हाड़ी और सब्बल से हमला कर दिया, जिससे दोनों पक्षों के 6 लोग जख्मी हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सब्बल से हमला करने पर उसकी पीठ में गहरा जख्म हो गया। जसपुर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे में स्थित गमहरिया में संचालित एक पेट्रोल पंप को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। इस पेट्रोल पंप की जमीन को लेकर चल रहे विवाद में आए न्यायिक निर्णय के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की। सकती जिले में थाना प्रभारी की करतूत ने पुलिस को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। सकती थाना प्रभारी पर 5,000 रुपये महीना लेकर ढाबे में शराब बेचने और पिलाने की छूट देने का मामला सामने आया है। वीडियो में सकती का एक ढाबा संचालक बता रहा है कि वह थाना प्रभारी से अनुमति लेकर शराब बेचने का काम कर रहा है। धमतरी जिले के नगरी वन परिक्षेत्र के परसा पानी में पहाड़ी के नीचे टावर के पास एक तेंदुए का शावक मिलने से लोग हैरान रह गए। हालांकि लोगों की सूचना पर नगरी रेंजर एनके बरिया, डिप्टी रेंजर ओपी चंदनिया सहित टीम मौके पर पहुंची। तेंदुए के शावक को रेस्क्यू कर रेंज कार्यालय नगरी लाया गया। रायगढ़ के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र स्थित भेलवा टिकरा के पहाड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में नर कंकाल मिलने का मामला प्रकाश में आया है। चूंकि कंकाल के पास बरामद मोबाइल फोन और कपड़े को देख आशंका है कि गांव की युवा किशोरी है, जो बीते 3 महीने से लापता थी। सूरतपुर जिले में दशगात का भोजन करने के बाद लगभग 66 ग्रामीण फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। इनमें से बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इसकी जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य अमले ने गांव में ही कैंप लगाकर ग्रामीणों का इलाज शुरू कर दिया। लगभग 40 ग्रामीणों की हालत ज्यादा खराब थी, जिन्हें सूरजपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया।